फ्रेंड, इस तरह के प्लास्टिक की बोतल अक्सर हम सभी के घरों में खाली होने पर हम सभी क्या करते हैं, इन्हें फेंक ही देते हैं। बट फ्रेंड, आज की वीडियो देखने के बाद आगे से आप इस तरह की बोतलों को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं इससे ब्यूटीफुल होम डेकोर शोपीस। और फ्रेंड, बॉटल की ये जो आप शेप देख रहे हैं और ये ऊपर से भी ये जो पॉइंटेड आप देख रहे हैं, इसे देख के मेरे मन में आइडिया आया कि इससे तो हम क्यूट से पेंगुइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड, विदाउट डिले लेट्स गेट क्रिएटिव। तो दोस्तों, इस DIY को बनाने के लिए हम यूज करेंगे 2 प्रील के बॉटल, और इसे बनाने के लिए हम लेंगे वॉल पुट्टी। और ये वॉल पुट्टी आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बिरला वाइट का वॉल पुट्टी, आप कोई भी वॉल पुट्टी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में वॉल पुट्टी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे की तरह हम इसका डो तैयार करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारा परफेक्ट सॉफ्ट डो बनके रेडी है, और इसे आप अपने कई DIY में यूज कर सकते हैं। और इस डो को हम किसी गीले कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि हमारा डो ड्राई ना हो जाए और काफ़ी देर तक चले। और गीले कपड़े से ढक के रखने से हमारा जो डो है वो 2-3 घंटे तक बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। एक और हम बाउल लेंगे और उसमें हम 3-4 टेबल स्पून वॉल पुट्टी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये पेस्ट हम क्यों बना रहे हैं आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। पेंगुइन के बिक को और नोकीला बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ईयरबड, और इसे हम कट करके 2 पीस कर लेंगे। और बॉटल के जो ऊपर वाला होल है उसमें हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और मैंने यहाँ हाथों में कोकोनट ऑयल लगा लिया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि क्राफ्ट करते वक्त डो हमारे हाथों में ना चिपके। और आप देख भी सकते हैं कि ऑयल लगाने के बाद हाथों में हमारा डो बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। और इस डो को हम बिल्कुल रोटी की तरह बेल के फैला लेंगे, और ये चिपके ना तो सरफेस पे हम थोड़ा सा ऑयल या वॉल पुट्टी से डस्टिंग कर लेंगे, तब डो हमारा सरफेस पे चिपकेगा भी नहीं और आसानी से निकल जाएगा। और इसके बाद जो हम बाउल में एक गाढ़ा वाला पेस्ट तैयार किए थे, उसे ब्रश या उंगली की हेल्प से बॉटल के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाते जाएंगे। और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जब डो को हम इसके ऊपर चिपकाएँ तो ये अच्छे से चिपक भी जाए और बॉटल पर से उखड़े ना। तो इस तरह से डो को हम आराम से उठाएंगे और बॉटल के ऊपर चिपका देंगे, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से चिपक भी गया और बॉटल पर सेट हो गया। और इस तरह से पूरे बॉटल को हम इससे कवर कर लेंगे। बॉटल कवर होने पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा पेंगुइन का लुक आने लगा है, और जब हम इसे फ्रंट कलर करेंगे तब तो प्रॉपर लुक आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बना लेते हैं पेंगुइन का लेग। तो इसके लिए हम डो में से छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे और गोली बना के हाथों से इस तरह से दबा के चिपटा कर लेंगे, और फिर किसी शार्पनर से इसका हम इस तरह से शेप दे देंगे। और पेंगुइन का लेग चिपकाने के लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे और नीचे चिपका लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम लेग चिपकाएंगे तो ये अच्छे से चिपक भी जाएगा और इसे सपोर्ट भी मिलेगा। और जब ये हमारा अच्छे से सूख जाए तब हम इसे करेंगे पेंट। तो हम यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसे करेंगे पेंट।
तो इस तरह से हमारा दोनों पेंगुइन कलर हो गया है। और दोस्तों लास्ट में वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका फाइनल लुक।